आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्चुअल असिस्टेंट क्वेस्ट 2 के आंसर्स के बारे में। क्वेस्ट के आंसर्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी क्वेस्ट के आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इतफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्वेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी ऑल पर प्रेस कीजिए। कम्प्लीटली फ्री आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक-एक करकर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूं कि मैं इस क्विज को 6 दिसंबर के दिन परफॉर्म कर रही हूँ, तो आप जब भी किसी क्विज से रिलेटेड वीडियो देखें तो मेक श्योर कीजिए कि वो आपके बैच से रिलेटेड हो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव रिव्यू? नेगेटिव रिव्यू का मतलब क्या होता है? लो रेटिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी फीडबैक, गुड रेटिंग विद द नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव रेटिंग विद गुड फीडबैक, हाई रेट फॉर फीडबैक। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास लो रेटिंग एंड एन अनसेटिस्फैक्टरी फीडबैक। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज MOQ? मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वालिटी, मैक्सिमम ऑर्डर क्वालिटी। आपने बताना है कि MOQ जो है वो आपके पास आपका क्या कहलाता है, मैक्सिमम ऑर्डर क्वालिटी या फिर मिनिमम ऑर्डर क्वालिटी। इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम ऑर्डर क्वालिटी। और हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस? एस्टिमेट इनवॉइस, डिस्काउंट इनवॉइस, फैक्टरी इनवॉइस, इंटरेस्ट इनवॉइस। 4 इनवॉइसेस हैं, इनमें से आपने बताना है प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है फैक्ट्री इनवॉइस। अगेन आपकी अपनी चॉइस, अगर आपको लगता है कि और कोई ऑप्शन करेक्ट है तो आप उसे भी चूज कर सकते हो। व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंस्पेक्ट अ प्रोडक्ट? मेक अ वीडियो कॉल, आस्क फॉर द पिक्चर, हायर एन इंस्पेक्शन कंपनी, चेक ऑन डेस्टिनेशन। सबसे अच्छा वे क्या है किसी भी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने का? वीडियो कॉल कर सकते हैं, पिक्चर्स के लिए आस्क कर सकते हैं, किसी इंस्पेक्शन कंपनी को हायर कर सकते हैं या फिर चेक ऑन डेस्टिनेशन कर सकते हैं। तो अच्छी चीज यहाँ पर जो है वो है चेक ऑन डेस्टिनेशन। आप डेस्टिनेशन पे ही जाकर उस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट इज अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट? द अकाउंट यूज्ड बाय द मर्चेंट टू मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्ट टू द कस्टमर विद द अमेज़न मार्केट प्लेस, वेयर सेलर कम्युनिकेट विद ईच अदर। अकाउंट वेयर एनीबॉडी कैन ओपन एंड परचेज फ्रॉम अमेज़न वेयर प्रोडक्ट आर अवेलेबल फॉर द सेल। करेक्ट आंसर आपको इसका पता है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर वी कैन गेट द मोस्ट ऑफ द चाइनीज सप्लायर्स? थॉमस नेट, अली एक्सप्रेस, अली बाबा, कॉस्टो। ये 4 आपके पास जो है वो मार्केट प्लेसेस हैं। किस मार्केट प्लेस के ऊपर सबसे ज्यादा आपको चाइनीज सप्लायर मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास अलीबाबा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास यहाँ पर, व्हाट इज लैंडिंग कॉस्ट? टोटल कॉस्ट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेड एंड हैव द कस्टमर रिसीव्ड इट, शिपिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू एंड यूजर, शिपिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम सेलर टू कस्टमर, शिपिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर हाउस टू द कस्टमर। आपने बताना है कि लैंडिंग कॉस्ट आपके पास क्या कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू एंड यूजर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर इन इन्कोटर्म? इन्कोटर्म क्या कहलाती है? अलीबाबा टर्म एंड कंडीशन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म और ऑर्डरिंग प्लेसिंग मेथड। आपने बताना है कि इन्कोटर्म हमारे पास किस चीज के बारे में होती है। इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज DAP? इन Incoterm stand for deliver at the place, deliver at Pakistan, deliver at buyer port, deliver at seller port. आपने बताना है कि DAP Incoterm हमारे पास किस चीज के लिए स्टैंड करता है। इसका करेक्ट आंसर है delivered at place. हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो कि है, इट इज कंपल्सरी टू हैव एन अकाउंट ऑन अलीबाबा टू स्टार्ट सेलिंग ऑन Amazon? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी, यू मस्ट क्रिएट एन अकाउंट ऑन अलीबाबा बिफोर क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन Amazon, यू मस्ट क्रिएट एन अकाउंट ऑन अलीबाबा आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन Amazon. अब यहाँ पर दो ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकते हैं कि आप
जो है अलीबाबा के ऊपर अकाउंट बना लें, जब आप अमेजोन के ऊपर बनाए, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट है नो वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अमेजोन के ऊपर सेलिंग करते हैं पर वो अलीबाबा के ऊपर सेलिंग नहीं करते, तो मैं यहाँ से नो इट इज नॉट कंपलसरी वाला ऑप्शन को चूज कर रही हूँ। और ये था हमारा काफी अच्छा था वर्चुअल असिस्टेंट का क्विज। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्विज आपको पसंद आया होगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, कम्प्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा अगर कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस के सोल्यूशन मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि आप उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।